हेलो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक थीम एक कुछ अप्लाई है, तो देख लेते हैं इस थीम में क्या कुछ है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो कि नोटिफिकेशन पैनल कैसा आ रहा है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका डायलिंग पैड कैसा आ रहा है। आप देख सकते हैं कैसे डायलिंग पैड आ रहा है और साथ साथ कैसा मैसेज बॉक्स भी आ रहा है, देख लीजिए। और साथ साथ एक और भी अच्छी बात बात हूँ, देख लीजिए व्हाट्सएप कैसा आ रहा है, देख लीजिए कुछ ऐसा व्हाट्सएप आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद मैं बात हूँ सेटिंग्स कैसा आ रहा है, देख लीजिए कुछ ऐसा सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने शायद देख लिया है क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे आया है। अगर इस चेंजेस को आपको अपना रियलमी डिवाइस में लाना है तो मेरे वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। हाय गाइस, हम सो मच, आप देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ मैं बहुत ही चुटकी बजा के आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप भी बहुत ईजिली अपने फ़ोन में इसे अप्लाई कर पाए। साथ ही साथ एक और चीज़, यह वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा कि डार्क थीम कैसे रियलमी डिवाइस में अप्लाई हो रहा है और साथ ही साथ कैसा कुछ लुक आपको यहाँ पे दे रहा है। डार्क थीम मुझे, मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है और शायद आप लोगों को भी फेवरेट है, क्योंकि मैं बहुत ही टाइम से ये सुनता आ रहा हूँ कि डार्क थीम कब रियलमी के डिवाइस में आएगा, रियलमी थीम स्टोर कब आएगा, ये आएगा वो आएगा। पर देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लाया हूँ, डार्क थीम का सॉल्यूशन, जिसके मदद से आप अपना रियलमी डिवाइस में एक बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा, यानी ये जो एक थीम में इस थीम से काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहा है, साथ साथ काफ़ी अच्छा लुक भी प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे पहला जो थिंग्स मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्टेप के मामले में, तो देखिए मैं यहाँ पे मेरे फाइल मैनेजर में जा रहा हूँ। फाइल मैनेजर के जाने के बाद मैं यहाँ पे फोन स्टोरेज में जा रहा हूँ। ये सब स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है, बस मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट एक थीम है, सिंपल डार्क लिन बिट नाम का एक थीम है, तो ये जो थीम है इसी से ही वो सब चेंज हुआ है। ये जो थीम है, इस थीम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अब इसको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है, नॉर्मल तरीका की तरह नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। पहले इसको अगर अप्लाई आपको करना है तो पहले आपका जो कि थीम स्टोर है, आपको पता है रियलमी का एक थीम स्टोर है, रियलमी का थीम स्टोर के बजाय हम लोग यहाँ पे ओप्पो का ऑफिशियल थीम स्टोर यूज़ करते हैं। यहाँ पे रियलमी का कोई भी थीम स्टोर यहाँ पे यूज़ नहीं करते। रियलमी का थीम स्टोर आने में लग जाएंगे अप्रैल मंथ के एंड, तभी शायद हम लोगों को रियलमी का एक बीटा वर्सन मिलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थीम स्टोर को एकदम होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने के बाद यहाँ पर ऐप इन्फो आई, ऐप इन्फो में हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टोरेज यूजेस नाम का एक ऑप्शन आपको दिखा मिल रहा है 175 MB, और साथ ही साथ यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, क्लियर डेटा करना है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर डेटा कर दी, साथ ही साथ क्लियर क्रैच भी क्लियर हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, आप सीधे में मेरे वो ही जो कि फाइल मैनेजर में जाऊँगा। जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सिम लिल डार्क लिन बेट नाम का एक थीम है, तो इसको मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ। ओपन करने के साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए एक एलो का ऑप्शन मांगेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं यही वो थीम है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ट्राई नाउ का एक ऑप्शन है, तो ट्राई नाउ का ऑप्शन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके पास का ऑप्शन को हाथ में ही लगाएगा, बस ट्राई नाउ का ऑप्शन को क्लिक कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे ट्राई नाउ का ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, तो इसका अप्लाई करने का तरीका कुछ अलग है। तो यहाँ पे ट्राई नाउ का ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसा कि वैसा ही है। तो आप सोच रहे हैं ये तो हमें भी पता है, इसके बाद हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पर रजिस्टर कर लेता हूँ, तो रजिस्टर करने के बाद भी आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ है, उसको और एक बार उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं रजिस्टर के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो देख लीजिए भाई लोग, तो डिस्टर्ब यहाँ पे हो गया है और साथ ही साथ मैं मेरे होम स्क्रीन में फिर से वापस आ गया हूँ। रजिस्टर करने के बाद आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन पैनल वैनल सब कुछ चेंज हो गया है, पर फिर से मैं जो चीज़ बता रहा था, इसका अप्लाई करने का तरीका कुछ और ही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कि मेरा फ़ोन डायलर है और साथ ही साथ जो कि मेरा मैसेज बॉक्स है, ये पूरी तरीके से अभी भी चेंज नहीं हुआ है। हालाँकि यहाँ पर व्हाट्सएप भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या कुछ करना पड़ेगा, अगर आप अपने ये थीम स्टोर को ओपन कर चुके हैं तो थीम स्टोर में आप फिर से जाइए। फिर से जाने के बाद यहाँ पे आपको जो कि ये थीम स्टोर का जो कि स्टोरेज यूसेज मिलेगा। स्टोरेज यूज में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर डेटा करना पड़ेगा। तो क्लियर डेटा करने के बाद आपको फिर से उसी प्लेसेस में जाना पड़ेगा जहाँ से आप आए थे, फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको जो कि आपका थीम जहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, थीम का डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रहा हूँ, उस थीम में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको फिर से अप्लाई करना है। ताकि देखिए देख लीजिए कि यहाँ पे एक एलो फिर से मांगेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे ट्राई नाउ करना है,
ये जो ट्राइन आउट हुआ इस ट्राइन आउट के बाद जो कि पूरी तरीके से ये अप्लाई होगा, तो ये आपको दोबारा ट्राइन आउट करना पड़ेगा एक बार स्टार्ट के बाद, तभी जाके ये एक्टिव होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है और साथ साथ देखिए ये पूरा एक्टिव भी हो चुका है। और साथ साथ ये व्हाट्सएप मेरा फेवरेट है, ये ब्लैक कलर का व्हाट्सएप मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत सारे वीडियो देखे, पर व्हाट्सएप ब्लैक कैसे करे ये बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ थे, तो यहाँ पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पर ये जो कि व्हाट्सएप है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ट्राई करके देखिए, आप भी अपना व्हाट्सएप को डार्क कीजिए ताकि आपको अच्छा भी लगे। तो यही सब बताना था, देखिए सेटिंग्स वेटिंग सब कुछ चेंज हो गया है और साथ साथ यहाँ पे ये भी चेंज होता है देख लीजिए आप। तो यहाँ पे जैसे कि फाइल मैनेजर का भी सेटिंग्स चेंज होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप अगर अप्लाई करके देखें तो यह पर बहुत अच्छी बात है। अप्लाई करने के देखने के बाद अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो यहाँ पे मुझे नीचे कमेंट करिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।